दोस्तों मुंह के जो छाले होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। मतलब कोई स्पाइसी फूड है या कुछ है, आप उसको नहीं खा पाएंगे। और इस चीज को मोस्ट ऑफ लोगों ने फेस किया होता है लाइफ में। तो अगर आपने भी छालों का जो पेन है उसको फेस किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे छाले क्यों होते हैं और उनके उपाय क्या हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है और छाले कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अल्सर सोर्स की, छालों की, तो छाले बेसिकली चार तरीके के होते हैं। एक होते हैं गम्स में, मसूड़े में होते हैं जो, दूसरे होते हैं हमारी टंग्स में, आपने देखा होगा जीभ में छाले हो जाते हैं, और कई लोगों के गले में हो जाते हैं, थ्रॉट में, और इसके अलावा लिप्स पे भी, क्योंकि लिप्स भी काफी सेंसिटिव होते हैं तो लिप्स पे भी छाले हो जाते हैं। तो चार तरीके के छाले होते हैं जो आपके गले में, लिप्स पे, टंग पे और गम्स पे होते हैं। और इसमें भी छालों की सोर्स जो होती है वो अलग अलग होती है। इसमें कुछ माइनर होते हैं। माइनर छाले क्या होते हैं, एक दो छाले होते हैं जो आपने देखे होंगे कि आपके लिप्स पे या मसूड़ों पे, गम्स पे हो गए हैं, तो वो छोटे छोटे एक से दो छाले होते हैं। फिर आते हैं मेजर, जो मेजर अल्सर होता है उसमें क्या होता है, छाले 10 mm के छाले तो होते ही हैं और काफी इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और ये छाले बहुत जल्दी सही भी नहीं होते। मतलब इनको 1 से 2 हफ्ता भी लग जाता है, और कई कई बार लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि ये 1 month तक भी चलते हैं। तो ये होते हैं थोड़ा मेजर तरीके के अल्सर। इसके बाद आती है एक हेपेटाइट फॉर्म। इसमें क्या होता है, छालों का जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब 50 से 600 छाले, आपने छोटे 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 काफी सारे छाले देखे होंगे। ये बहुत पेनफुल होता है। मतलब इसमें कई बार डॉक्टर एडवाइस के लिए भी जाना पड़ता है। इतना पेनफुल होता है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं। ये येलो कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, और बहुत ज्यादा पेनफुल अगर रहे तो ये रेड कलर के हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। इतना पेनफुल होते हैं कि आप कोई भी गर्म चीज नहीं खा सकते हैं, कोई स्पाइसी चीज नहीं खा सकते हैं, और इन छालों की जो काउंटिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर एडवाइस अगर लें तो वो ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों ये तो हमने करी छालों की बात, छाले किस टाइप के होते हैं या अल्सर किस टाइप का होता है। अगर हम बात करें कि किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, तो इसके भी काफी सारे रीजंस होते हैं। अगर कुछ लोग डेंटल, आपने देखा होगा, ब्रेसेस लगवाते हैं तो उसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से छिल जाता है, कट जाता है और वो छालों में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक एक्सीडेंटल ब्रशिंग इंजरी होती है। कई बार हम ब्रश करते हैं और गलती से जो ब्रश होता है वो हमारी स्किन पे लग जाता है, गम्स पे या लिप्स पे लग जाता है, तो वो कट जाता है। ऐसे में वो भी अल्सर का रूप ले लेता है। कई लोगों को इसके अलावा फूड से एलर्जी होती है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो इसमें फूड एलर्जी की वजह से भी छाले हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कई बार कुछ खट्टा हो गया, पपाया हो गया, टमाटर हो गया, अलग अलग हर किसी का अलग अलग स्किन टोन होता है, तो उस पर कई लोगों को फूड सूट नहीं करता है, तो फूड एलर्जी की वजह से भी आपको अल्सर हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, कोई फीवर चल रहा है, तो उस फीवर के बाद जब सही होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, पूरे मुंह में छाले हो जाते हैं, गले में, थ्रॉट में हो जाते हैं छोटे छोटे छाले। तो कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो भी एक रीजन होता है छालों का। इसके अलावा अगर आपको विटामिन 12 की कमी हो रही है तो वहां पे भी आपको एक रीजन हो सकता है छाले होने का। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, कई लोगों को ये सूट नहीं करती है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है टूथपेस्ट में अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो आपको जो छाले हैं वो आप फेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने जो टूथपेस्ट है उसको चेंज कर लीजिए। कई बार आपने देखा होगा पानी ना पीना, गर्मी हो जाना, आप ऐसी डाइट ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म खाना खा लिया है, जिनकी तासीर गर्म है ऐसी कोई डाइट ले ली है, तो इसके बाद भी आपके मुंह में काफी ज्यादा छाले हो जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो लस्सी, दही या इन चीजों का भी यूज करना चाहिए। पेट में अगर गर्मी बनती है तो वो भी एक छालों का कारण रहता है। मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये एक बड़े लेवल पे हो जाए तो ये काफी दिक्कत करती है, और स्पेशली खाना खाने में, बात करने में आप बहुत ज्यादा फेस कर सकते हैं। एक रीजन होता है स्ट्रेस। अगर आप मेंटली इमोशनली स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी देखा गया है कि लोगों को कई बार छाले हो जाते हैं, तो इमोशनली स्ट्रेस जो है उसको कम से कम ले, एक रीजन वो भी होता है। तो ये सारी चीजें, कई सारे रीजन होते हैं, कट जाना, कोई इंजरी हो जाना, या हेल्थ की वजह से, स्टमक अगर आपका पेट ठीक नहीं है उसकी वजह से, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अल्सर या छालों को फेस कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि अभी तक मैंने आपको बताया छाले कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनकी रेमेडी क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से टैबलेट्स ले सकते हैं, छालों की टैबलेट्स आती है, आप चाहें तो उनका यूज कीजिए। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेडिकल में या कहीं पे भी मिल जाएगा, आप
उसको भी अगर उसे कुल्ला करते हैं, उसको लगाते हैं, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। एक घरेलू उपाय और है, सॉल्ट वाटर, जो नमक का पानी होता है, खारा पानी, गुनगुना पानी, उसमें आप सोडियम कार्बोनेट अगर डालते हैं और उससे अगर आप कुल्ला करते हैं तो इससे भी आपके छालों की समस्या कम हो सकती है। H2O और पानी का भी अगर आप कुल्ला करते हैं तो इससे भी आपके छाले कम हो जाते हैं। और जितनी भी ये रेमेडीज हैं बहुत इजी हैं, आप इन्हें घर पे कर सकते हैं। इसमें आप एक आपका एंटीसेप्टिक माउथ वॉश होता है वो आप मेडिकल से ले आइए, उसका यूज कीजिए, उससे भी छालों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी सही होने में। तो इस तरीके की ये जितनी भी रेमेडीज हैं, अगर आप इनको घर में भी करते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन में आपके जो छाले हैं वो सही हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का वो कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।